ये आकाशवाणी रायपुर ही छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग संध्या तिवारी के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौका में आज मुख्यमंत्री विष्णु देसाई 97 खिलाड़ी मल्ला करीन सम्मानित। ओलंपिक खेल में पदक जीतया खिलाड़ी मल्ला पुरस्कार देके करीन घोषणा। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित जिला के विद्यार्थी मल्ला तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा पर ब्याज मुक्त ऋण दे जाही मुख्यमंत्री है दिन निर्देश। राज्यपाल कहने कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के सामना करे पर हम मल्ला ज्यादा सक्षम होना हो ही। और नारायणपुर जिला में हुई मुठभेड़ में 3 वर्दीधारी महिला माओवादी मारे गिस। भारी मात्रा में हथियार और माओवादी सामान बरामद। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रीय खेल दिवस में आज रायपुर में राखे गए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देसाई है राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी मल्ला इनाम दिन। ये दौरान मुख्यमंत्री है बछर 2021-22 और 22-23 पर 97 खिलाड़ी मल्ला 76 लाख रूपया के पुरस्कार राशि प्रदान करी। उन्हें पदक विजेता 502 खिलाड़ी मन के बैंक खाता में 60,33,000 रूपया ट्रांसफर करी। ये मौका में मुख्यमंत्री है ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतया छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी मल्ला 3 करोड़ रूपया, रजत पदक जीतया खिलाड़ी मल्ला 2 करोड़ रूपया और कांस्य पदक जीतया खिलाड़ी मल्ला 1 करोड़ रूपया के पुरस्कार राशि दे की घोषणा करी। मुख्यमंत्री कहने की रायपुर में लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के ऑफ सेंटर शुरू करे जाही जौनहा खेल के क्षेत्र में प्रदेश के एक बड़ी उपलब्धि होगी। उमन कहने की प्रदेश में खेल ला बढ़ावा देवर राज्य सरकार है छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना शुरू करे के फैसला ले है। ये योजना में खेल मैदान सुघर करे के संगे संग खिलाड़ी मन पर उच्च स्तरीय खेल उपकरण की व्यवस्था, खेल प्रतिभा की खोज, खेल क्लब ला आर्थिक सहायता और पारंपरिक खेल प्रतियोगिता के आयोजन घलो करे जाही। कार्यक्रम में केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, मंत्रिमंडल के आने आने सदस्य और विधायक मन मौजूद रही। राष्ट्रीय खेल दिवस में आज प्रदेश की आने आने जिला मन में घलो कार्यक्रम के आयोजन करेगी। ये दौरान जांजीर के हॉकी मैदान ले डाइट तक रैली निकालेगी। उन्हें जिला के 32 प्रतिभावान खिलाड़ी मन के सम्मान घलो करेगी। प्रदेश के माओवादी प्रभावित जिला में कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार के लड़का मल्ला तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा पर मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण दे जाही मुख्यमंत्री विष्णु देसाई है ये जिला मन में ज्यादा ले ज्यादा विद्यार्थी मल्ला लाभ दिवाए के निर्देश दे के संगे संग विशेष अभियान चलाये बर घलो कहीं है। मुख्यमंत्री है राज्य के आने आने जिला के कलेक्टर मल्ला ऐसा लड़का मन के तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा पर 1% के ब्याज दर में दे जावत ऋण सुविधा के लाभ देवाए के निर्देश घलो दिन है। योजना के तहत ब्याज अनुदान पर शिक्षा ऋण के ज्यादा सीमा 4 लाख रूपया तय हवे। ये योजना में डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के 35 तकनीकी और आने आने व्यावसायिक पाठ्यक्रम मल्ला शामिल करेगी। राज्यपाल रमेन डेका हा कहने कि जलवायु परिवर्तन आज विश्व के सबले बड़े समस्या आए एक प्रभाव के सामना करे पर हमला ज्यादा सक्षम होना हो ही। ये बात राज्यपाल आज रायपुर में मौसम विज्ञान विभाग डहर ले राखे गए एक दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन करत बेरा कहीं उमन कहने कि मौसम विज्ञान विभाग ये बच्छर अपन सेवा के 150वां बच्छर मनावत है। ये मौका पर राज्यपाल कहने कि मौसम विज्ञान विभाग की सेवा के स्थिति आज हम प्राकृतिक आपदा और जलवायु परिवर्तन ले जुड़े जोखिम के सामना बने ढंग ले कर सकत हन। यहाँ के खेती में मौसम विज्ञान के बढ़िया योगदान है जेखर ले किसान मल्ला मौसम के सटीक खबर मिलती। कार्यक्रम में भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र विभाग के कामकाज के बारे में बताई। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार। अब आगू बाढ़ वो बांचे समाचार कोती
प्रदेश में आज राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाये गिस। ये दौरान 1 से 19 बच्चर तक के जम्मू लड़का माला कृमि के दवाई खवाये गिस। मुख्यमंत्री विष्णु देसाय है रायपुर के जेआर दानी कन्याशाला में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस में आयोजित कार्यक्रम में लड़का माला एल्बेंडाजोल के गोली खवा के कार्यक्रम के शुभारंभ करे। शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के उपसंचालक डॉक्टर वी आर भगत है बताइने की प्रदेश में 1,07,97,000 लड़का और किशोर किशोरी मन ला कृमि नाशक दवाई खवाए के लक्ष्य रखे गए है। आज जउन लड़का मन दवाई खाए ले छूट गए है वो मला 4 सितंबर के मॉप अप दिवस में दवाई खवाए चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची में नाम जोड़े हटाए स्थानांतरण और प्रविष्टि में कोनो प्रकार के जरूरी संशोधन पर फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली मन के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दे है। आयोग डहाले जारी कार्यक्रम के मुताबिक अवैया 29 अक्टूबर के प्रदेश के सब मतदान केंद्र मन में मतदाता सूची के प्रारंभिक प्रकाशन करे जाही और एक संग दावा आपत्ति प्राप्त करके कार्यवाही चालू हो जाही। मतदाता 28 नवंबर तक दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकत है। ये दौरान 9, 10, 16 और 17 नवंबर के जम्मू मतदाता केंद्र में विशेष शिविर के घरों आयोजन करे जाही। मिले दावा आपत्ति के निराकरण पूरा करके 6 जनवरी के निर्वाचक नामावली के आखिरी प्रकाशन करे जाही। ऐसे युवा जो 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 बच्चर के उम्र पूरा करा थे ओमन प्रारूप 6 माह आवेदन प्रस्तुत कर अपन नाम मतदाता सूची में जुड़वा सका थे। नारायणपुर जिला में आज सुरक्षा बल मन के संग हुई मुठभेड़ में 3 वर्दीधारी महिला माओवादी मारे गए है जेखर मन के 100 बरामद कर ले गए है। संगे संग घटना स्थले भारी मात्रा में हथियार और माओवादी सामान बरामद करे गए है। मिले जानकारी के मुताबिक नारायणपुर और कांकेर जिला के सीमा में मार क्षेत्र में माओवादी मन के मौजूदगी की सूचना मिले में डीआरजी एसटीएफ और बीएसएफ के सामला टीम सर्चिंग में निकले रही। इस दौरान पहली ले घात लगाए बैठे माओवादी मन सुरक्षा बल मन ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्यवाही में सुरक्षा बल मन 3 महिला माओवादी मल्ला मार गिरे। इलाका में अभी घलो सर्चिंग अभियान चला थे। बीजापुर जिला के मीरतूर थाना क्षेत्र में पाछूरतिया डीआरजी के सहायक उपनिरीक्षक तेलम चमरू के सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। उन्हें बस्तर फाइटर्स के एक आरक्षक उदय कुमार पटवा घायल हो गए है। मिली खबर के मुताबिक यह हादसा ग्राम बेचापाल के तीर हुई। घायल आरक्षक का इलाज व डिमरापाला मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराये गये है। उन्हें मृतक जवान तेलम चमरूला आज बीजापुर में विधायक कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक का श्रद्धांजलि दीन। एकर बाद उखर पार्थिव शरीर ला गृह ग्राम पर रवाना करेगी। रायगढ़ जिला के जूट मिल थाना के पुलिस 175 किलो गांजा के संगे संग 5 जिन आरोपी मन गिरफ्तार करे है जिकर कीमत करीबन 35 लाख रूपया आके गये है। उन्हें आरोपी मन के तीले 43 लाख रूपया की संपत्ति जब्त करे गये है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मन ओडिशा ले गांजा लान के शक्ति कोरबा और तीर तखार के क्षेत्र में बेचे की योजना बनाये रही। भिलाई 3 में कांग्रेस कार्यकर्ता मन ऊपर लाठीचार्ज उखर खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करे के मामला में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री विष्णु देसाय चिट्ठी लिखे है। चिट्ठी में ये मामला के निष्पक्ष जांच कराए और कांग्रेस कार्यकर्ता मन ऊपर दर्ज मामला ला वापिस लेके मांग करे है। यही बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के काफिला ला रोके और नाराबाजी के संगे संग कांग्रेस कार्यकर्ता मन ऊपर लाठीचार्ज ला लेके कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल आज नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय पहुंच के महानिदेशक के नाम ज्ञापन सौंपिन। प्रतिनिधि मंडल डीजीपी ले 24 और 27 अगस्त के हुए घटना के उच्च स्तरीय जांच कराए के मांग करे है और दोषी मन के खिलाफ कड़ा कार्यवाही करे बर कहीन है। केंद्र सरकार संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ला स्वैच्छिक आधार में उम्मीदवार मन के पहचान प्रमाणित करे बर आधारित सत्यापन के मंजूरी दे दे है। पंजीकरण के बेरा और परीक्षार्थी भर्ती के आने आने चरण के दौरान ये सत्यापन करे जा सकत है। ये फैसला पूजा खेडकर के अंतरिम उम्मीदवारी ला लेके रद्द करेगे। संघ फर्जी पहचान दिखा के सिविल सेवा परीक्षा में निर्धारित संख्या ले ज्यादा प्रयास करे बर उमला भविष्य के जम्मू परीक्षा ले वंचित करे के बाद आए है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौका में आज मुख्यमंत्री विष्णु देसाय 97 खिलाड़ी मल्ला करीन सम्मानित। ओलंपिक खेल में पदक जीतया खिलाड़ी मल्ला पुरस्कार देके करीन घोषणा। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित जिला के विद्यार्थी मल्ला तकनीकी और व्यावसायिक उच्च शिक्षा पर ब्याज मुक्त ऋण दे जाही मुख्यमंत्री है दिन निर्देश। राज्यपाल कहीं है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के सामना करे बर हमला ज्यादा सक्षम होना होगी। और नारायणपुर जिला में हुई मुठभेड़ में 3 वर्दीधारी महिला माओवादी मारे गिस। भारी मात्रा में हथियार और माओवादी सामान बरामद। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।